हेलो बच्चों, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब हमने जो कैटेगराइज किया था, क्लास 2 में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 2 में हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और वो सब किससे रिलेटेड था? वो सब सॉल्यूशन से रिलेटेड था, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन से। और हमने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन एंड कोलोइड के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन जिसे हिंदी में बोला जाता है निलंबन, सस्पेंशन जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, निलंबन। क्या होता है सस्पेंशन का मतलब? मैंने आप लोगों को बताया था कि सस्पेंशन जो होता है एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि असमांगी मिश्रण होता है। जिसमें सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में बिल्कुल भी नहीं घुलता। ठीक है, द अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अ सॉल्यूट डज नॉट डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। ठीक है, कि सस्पेंशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट जो होता है, जैसे आपने इसमें सॉल्यूट डाला, ठीक है, ये सॉल्वेंट है आपका, आप कोई भी चीज सॉल्वेंट ले सकते हैं और कुछ भी आप सॉल्यूट ले सकते हैं, और आपने इसमें मिक्स किया, पर वो मिक्स नहीं होगा, आप उसको जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो वो नीचे बैठ जाएगा, सारा सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट सस्पेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? सस्पेंड, सस्पेंड मतलब वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो वो नीचे बैठ जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ऐसे बहुत सारी लेयर जम जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप वाटर में, ये रहा वाटर, इसमें अगर आप क्या डालें, आप इसमें चॉक डाल दो। ठीक है, वाटर में आप चॉक डालेंगे और उसको स्टिर करेंगे, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए तो वो देखेगा, लगेगा कि घुल गया है, बट आप जब उसको छोड़ देंगे ना एक जगह, मतलब उसको स्टिल रख देंगे, बिना हिलाए डुलाए एक जगह पे रख देंगे, तो सारी चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब उसके बॉटम में सारे चॉक पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे, और नीचे जमा होने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो होता है उसमें सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट में बिल्कुल भी नहीं घुलता। जैसे अगर आप वाटर के अंदर आयरन, आयरन नेल्स या ऐसा कुछ भी चीजें डालेंगे, ठीक है ना, तो या आप सैंड डाल दो पानी के अंदर, वाटर के अंदर आप सैंड डाल रहे हैं, यानी कि रेत डाल रहे हैं, तो इन सब चीजों से को कभी भी आप पानी में जितना मर्जी घुलने की कोशिश करो, वो उसमें नहीं घुलते, यानी कि उसके अंदर वो डिजोल्व नहीं होते। उन्हीं को क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। जब आप किसी भी लिक्विड में या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं डिजोल्व होता, तो वो हमारा क्या होता है, सस्पेंशन। तो आपको ये मतलब ये समझ में आ गया होगा सस्पेंशन क्या है, एग्जाम्पल भी पता है आपको, वाटर में चौक, ठीक है ना, चौक इंटू वाटर, सैंड इंटू वाटर, ठीक है, और भी आप ऐसे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, आयरन डस्ट, और भी बहुत सारी चीजें। अब तो ये था इस सस्पेंशन का मतलब और इसका एग्जाम्पल। मैं एक बार इसको, इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं और फिर हम बात करते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये है आपके सामने सस्पेंशन की डेफिनेशन, जिसमें जिसमें लिखा है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग इन इट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बार हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको नोट कर सकते हैं। लिखा हुआ है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, यहां पे मैं एक बात बता दूं,
भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने लिखा था और मैंने वहां पे आसमांगी लिख दिया था। तो वैसे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आसमांगी और विस्मांगी एक ही बात है, ठीक है। बट आपके बुक में विस्मांगी लिखा हुआ है तो आप विस्मांगी ही लिखना, ठीक है ना। वहां मैंने आसमांगी लिख दिया था, बट आपके बुक में विस्मांगी लिखा तो आप यही लिखें, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन कि निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। विस्मांगी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने बात कर ली है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में समिष्टि निलंबित रहते हैं तथा शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं कि अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी ऐसे सॉल्यूट को घोलने की, मतलब आपका जो सस्पेंशन होता है, क्या होता है कि जब इसके अंदर आप सॉल्यूट को इसमें घोलने की कोशिश करते हो तो पहले तो पार्टिकल फैल जाते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो घुलते नहीं है, घुलते नहीं बल्कि माध्यम में समिष्ट निलंबित रहते हैं। निलंबित होने का मतलब होता है डिस्पर्ज हो जाना, फैल जाना, ठीक है। मतलब वो उसमें डिजोल्व नहीं होते, लिखा हुआ है विदाउट डिजोल्विंग, ठीक है ना। स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी कि वो लिक्विड में जाके फैल जाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्वेंट में जाके फैल जाते हैं, ठीक है, और डिजोल्व नहीं होते, घुलते नहीं है। जब कोई चीज घुलेगी ना तो वो दिखाई नहीं देगी, डिसअपियर हो जाएगी, और क्या नाम है, वो नीचे भी नहीं बैठेगी। ये बात हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ ली थी। अब यहाँ पे सस्पेंशन में यही होता है कि वो जाके जाता है, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में जाता है पर घुलता नहीं है, वो अंदर जाके फैल जाता है, और फैल जाता है, और जब तक आप उसको हिलाते रहते हो, स्टिर करते रहते हो, तब तक वो फैलता रहता है। और जब आप उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो, कैसे छोड़ देते हो, अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए डुलाए छोड़ देते हो, तो वो बॉटम में जाके सेटल हो जाता है। लिखा है एंड सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कि जब आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप इसको नहीं हिलाओगे, तो ये सारा सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगा। आपका सॉल्यूट यहां इकट्ठा हो जाएगा और सॉल्वेंट यहां हो जाएगा। तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही है आपका सस्पेंशन, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। कि भाई जब भी हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोलने की कोशिश करते हैं, मतलब वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट ऐसे होते हैं कि जब सॉल्यूट उसमें घुलता ही नहीं, उस सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे वही मड पार्टिकल्स, यानी कि जो भी आप रेत डाल रहे हो पानी के अंदर, चौक डाल रहे हो, है ना, या और ऐसे मतलब चीजें डालने की कोशिश कर रहे हो जो उसमें कभी घुलती नहीं है, तो वो लिक्विड में मतलब उसके सॉल्यूएंट में फैल जाती है। जब तक आप उसको हिलाते रहोगे तब तक वो उसमें घूमता हुआ दिखाई देगा। कभी ये ट्राई करना कि आप थोड़ी सी रेत लो और पानी में डालो, घुमाओ, घूमेगा तो क्या होगा, वो आपको रेत घूमता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ी देर उसको छोड़ दो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कि सारी की सारी रेत जो है नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। और थोड़े बहुत जो पार्टिकल आपको ऊपर ऊपर दिखाई देंगे उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, बिना हिलाए डुलाए एक जगह पे रख दो, आपको दिखेगा कि थोड़ी ही देर में सारे के सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और यही लिखा है इसकी डेफिनेशन में कि आ सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड, जिसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिक्विड में स्प्रेड हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, विदाउट डिजोल्विंग, बिना घुले, बिना घुले फैल जाते हैं, ठीक है ना, घुलते नहीं है, फैल जाते हैं। इन इट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, और जब उसको अनडिस्टर्ब्ड उसको किया जाता है, मतलब अनडिस्टर्ब उसको छोड़ दिया जाता है, बिना हिलाए डुलाए उसको छोड़ दिया जाता है, तो सारे पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। तो बस यही आपके सस्पेंशन की डेफिनेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, कि सस्पेंशन के क्या क्या गुण होते हैं, अगर हिंदी में बोला जाए तो सस्पेंशन के क्या क्या गुण होते हैं, और इंग्लिश में बोला जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है, हम एक एक करके बात करते हैं।
सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो आप लोगों को पता ही है कि सस्पेंशन एक कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण, यानी कि जो आपका निलंबन जो होता है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज सो इट कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, यानी कि जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो निलंबन के कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम उन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं, हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, अगर आप देखो पानी के अंदर चॉक पाउडर घोलते हो या आप उसके अंदर रेत घोलने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि पानी के अंदर वो घुलता तो है नहीं, और घुलता नहीं है तो वो थोड़ी देर में नीचे जाके बैठ जाता है और वो चॉक पाउडर या वो क्या नाम है रेत, आप पानी उसको नीचे देख सकते हो यानी कि बॉटम में जो जो भी आपका कंटेनर होता है उसके बॉटम में देख सकते हो कि वो नीचे बैठ गया है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट अगर आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो वो आप कभी भी नहीं देख सकते, घुलने के बाद वो आपको दिखाई नहीं देता। तीसरी चीज, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जब मैं आपको सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बता रहा था उस टाइम बताया था कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं जब वो उसमें से पास होता है। जैसे अगर आपके पास एक सस्पेंशन रखा हुआ है, ये आपके पास कैसा है सस्पेंशन, और आप इसमें से जब लाइट पास करेंगे ना, आपके पास ये टॉर्च है मान लो, और टॉर्च में से जब लाइट जाएगी तो वो उसके पाथ को विजिबल करता है, मतलब बीच में से जाता हुआ दिखाई देगा। ये जो लाइट पार्टिकल्स है ना, लाइट के जो मतलब वो रे है ना, ये बीम जो है वो इसके बीच में से जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट, कि जब भी कभी लाइट पास होती है किसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर से यानी कि किसी कोलॉइड से या किसी सस्पेंशन से, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ये टिंडल इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है, अगर हम अब डिटेल में बात करें टिंडल इफेक्ट के बारे में, तो टिंडल इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है, सबसे कॉमनली जो आपने टिंडल इफेक्ट देखा है वो आपने देखा है अपने घर में किसी धूप भरी दोपहर में। ठीक है, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जैसे दिन में दोपहर में क्या होता है कि अगर आप दोपहर दोपहर का समय है, दिन का समय है, और आप क्या कर रहे हैं, आपने आप एक कमरे के अंदर हैं, कमरे में आपने सारी लाइटें बंद कर रखी हैं, ठीक है, कमरे में आपने लाइटें बंद कर रखी हैं, पर कोई एक विंडो में कोई एक छेद है या कहीं से भी एक होल ऐसा है जिसमें से लाइट आ जाए, तो अगर उसमें से लाइट आएगी तो आपको दिखेंगे डस्ट पार्टिकल उसमें लगातार मूव करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे उसमें, तो वही है टिंडल इफेक्ट जिसमें उसका पाथ विजिबल हो जाता है। एयर के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर मिले हुए नहीं है, डिजोल्व नहीं है, फैले हुए हैं। जैसे एयर में जो डस्ट पार्टिकल है क्या उसमें डिजोल्व है एयर के अंदर, नहीं, वो उसमें क्या है, फैले हुए हैं। ठीक है, इस वजह से जब लाइट पास होती है तो लाइट का जो हमें पाथ है वो दिखाई देता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। और वो आप किसी भी कोलॉइड या किसी भी सस्पेंशन से करेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल का साइज होता है ना, मतलब होना क्या चाहिए, टिंडल इफेक्ट को होने की कंडीशन क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करने की कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द साइज ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट के जो रे है ना, जो लाइट की वेवलेंथ है वो उसके बराबर होना चाहिए। मान लो आप यहां से लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो लाइट ना एक वेव फॉर्म में जाती है कुछ इस तरीके से, लाइट एक वेव फॉर्म में जाती है इस तरीके से, और
इसके पार्टिकल का साइज अगर इसके इक्वल है या इससे बड़ा है तो वो उसको स्कैटर कर देता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल का साइज जो है अगर वो इस वेव के साइज के बराबर है या उससे बड़ा है तो उसको क्या कर देता है, स्कैटर, स्कैटर कर देता है मतलब फैला देता है, और जिस वजह से हमें उसका पाथ जो है शो कर होता है, ठीक है, पाथ दिखाई देता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, तो आप अब फिलहाल यहां पे ये समझ लें कि टिंडल इफेक्ट शो कौन कौन करता है। तो वो करता है एक तो सस्पेंशन और दूसरा कोलॉइड, कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों के दोनों आपका शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अगली बात, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, कि सस्पेंशन जो होता है यानी निलंबन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, हिंदी में कहें तो अस्थिर होता है, अस्थिर, ठीक है, स्थिर नहीं होता एक जगह पे, मतलब वो टिकता नहीं है, तो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अरे सीधी सी बात है, अगर आप पानी में चौक घोल रहे हो या सैंड घोल रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज घोल रहे हो तो वो थोड़ी देर के लिए ही आपको ना पानी में ऊपर दिखाई देगा, मतलब पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ थोड़ी देर दिखाई देंगे, उसके बाद वो सारे के सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो वो सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो सॉल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग, ठीक है। अरे जैसे मान लो ये रहा आपके पास, आप इसमें वाटर है, इसमें आपने चॉक पाउडर डाल दिया और आपने हिला दिया, थोड़ी देर तक आपको पार्टिकल जो है यहाँ पे दिखाई देंगे, पूरी हर जगह फैले हुए दिखाई देंगे, पर आपने उसको 1-2 घंटा छोड़ दिया, 1-2 घंटे बाद क्या होगा, सारी चौक ऐसे नीचे बैठ जाएगी, सारी चौक ऐसे नीचे बैठ जाएगी और पानी आपको ऊपर साफ दिखाई देगा, वाटर अलग हो जाएगा और चौक, चौक पाउडर नीचे आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। तो जब तक ये है तब तक हम इसको सस्पेंशन कहेंगे, जब तक वो इस तरीके से है कि चौक पाउडर ऐसे चारों तरफ है, आप उसको हिलाते रहेंगे तो चौक पाउडर ऐसे चारों तरफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसे हम डिसॉल्व नहीं कहेंगे, हम उसको सस्पेंडेड कहेंगे उसके अंदर, ठीक है, मतलब सॉरी क्या कहेंगे, स्प्रेड थ्रू आउट बोलेंगे, ठीक है, कि स्प्रेड हो रखा है, फैला हुआ है उसमें, इस टाइम ये सस्पेंशन है, इस टाइम ये सस्पेंशन नहीं है। जब वो नीचे बैठ जाएगा उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे बैठने के बाद वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब अस्थिर, टिकता नहीं है, अनस्टेबल का मतलब होता है टिकता नहीं है, कि आप इसको आधा एक घंटा छोड़ देंगे तो वो सारे के सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो वो सेपरेट हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यही है कि सेपरेशन, द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, और इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम इसको फिल्टर पेपर, हम अगर हमें इनको अलग करना है तो मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर पेपर लूंगा और उसमें डाल दूंगा तो वाटर अलग छन जाएगा और जितना भी ये चॉक पाउडर है उस फिल्टर पेपर में आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको अलग भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लिखवा दिया है, हिंदी मीडियम जो है आप लोग जब नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलॉइड, जो अब हमें समझना है वो क्या है कोलॉइड। तो कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो पार्ट बताए थे, एक होता था कोलॉइड, एक होता था सस्पेंशन, ठीक है। कोलॉइड के बारे में हम जान सॉरी सस्पेंशन के बारे में हम जान चुके हैं, अब जो है कोलॉइड के बारे में हमें जानना है। तो कोलॉइड होता क्या है, तो कोलॉइड एक जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हमें देखने में लगता है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुला हुआ है, बट एक्चुअल में वो घुला हुआ नहीं होता, ठीक है। तो कोलॉइड एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हमें देखने में लगता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुला हुआ है, बट एक्चुअल में वो घुला हुआ नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो ब्लड या मिल्क, अगर मैंने मान लो मिल्क ले लिया है, ठीक है, तो क्या मिल्क में आपको कभी लगता है कि पार्टिकल सेपरेटेड हैं या अलग-अलग हैं? तो
तो आप कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हमें लगता। बट क्या होता है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर जो उसका मतलब सॉल्वेंट होता है उसमें जितनी भी चीजें होती हैं जो हमें मिल्क से मिलती हैं, जैसे प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ये सब चीज उसमें कैसी होती है, सस्पेंडेड हो मतलब सॉरी सॉरी इसमें डिस्पर्ज होती हैं। क्या होती हैं? डिस्पर्ज होती हैं। तो उसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड। इसमें वो डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। जब कोई चीज डिजोल्व नहीं है पर देखने में लग रहा है कि जैसे डिजोल्व है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड। क्या बोलते हैं? कोलॉइड। तो कोलॉइड का एग्जाम्पल मिल्क है, आपका ब्लड है, आपका टूथपेस्ट है, क्रीम है, और क्या है, बहुत सारे, स्मोक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, जैसे हम कोलोइड बोल सकते हैं। तो कोलोइड बहुत सारे होते हैं, और होता क्या है, ये एक तरह का हेटरोजीनियस मिक्सचर जिसमें देखने में लगता है कि ये क्या नाम है, डिजोल्व है, इसकी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजोल्व है, पर एक्चुअल में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में अब देखा जाए, देखो ऐसा क्यों लगता है हमें, ऐसा क्यों लगता है कि वो डिजोल्व मतलब सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट में डिजोल्व है। देखो मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था, और ये है कोलॉइड, और एक होता है सस्पेंशन। इसके पार्टिकल्स का साइज ना बहुत छोटा होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। और इसके जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है ना वो भी बहुत छोटा होता है, पर इससे हल्का सा ही बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, और इसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके जो कोलोइड होते हैं ना इसके पार्टिकल का साइज भी मतलब सॉल्यूशन से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग बराबर भी बोल सकते हो, थोड़ा मतलब लगभग बराबर तो नहीं, इससे बड़ा होता है, ठीक है। कोलोइड के पार्टिकल का साइज जो होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इनके पार्टिकल्स को भी हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट सस्पेंशन के पार्टिकल को खुली आंखों से देख सकते हैं। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स को भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए वो हमें दिखाई ही नहीं देता कि एक्चुअल में जो पार्टिकल्स है उसमें डिजोल्व है या नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कोलोइड के पार्टिकल्स को भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आईज से नहीं देख सकते, इसीलिए कोलोइड के पार्टिकल्स भी देखने में लगते हैं कि वो उसके अंदर डिजोल्व है, बट एक्चुअल में वो डिजोल्व नहीं होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि जैसे अभी तक हम बोलते आए हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या था, जो हम डिजोल्व करते थे वो सॉल्यूट होता था, और जिसमें डिजोल्व करते थे वो हमारा सॉल्वेंट होता था। जैसे अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला रहा हूं तो चीनी मेरा सॉल्यूट होता था, और पानी में जिसमें मिलाते थे वो हमारा सॉल्वेंट होता था, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाया जाता था, बट जो कोलोइड होते हैं ना इसमें हम सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते, इनको हम सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है, सॉल्यूट को बोला जाता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज, और इसको बोला जाता है डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम। हिंदी में अगर बोलें तो विलय और विलायक को विलय विलायक नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, डिस्पर्ज फेज, और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नहीं बोला जाता, बोला जाता है इसमें डिस्पर्जिंग मीडियम। विलय को बोला जाता है परिक्षिप्त प्रवस्था, विलायक को बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम। ऐसा क्यों किया हमने, नाम क्यों चेंज कर दिया, अच्छा तो लग रहा था सॉल्यूट सॉल्वेंट, नाम क्यों चेंज कर दिया? तो क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कोलोइड है इसमें चीजें डिजोल्व नहीं होती हैं, जब ये डिजोल्व होते थे तो हम इनको सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलते थे,
ठीक है ना, जब डिजोल्व होता है पूरी तरह से, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, सॉल्यूट, और ये डिजोल्व होने वाले जिसमें डिजोल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। बट इनमें तो डिजोल्व होता ही नहीं है, कोलोइड के अंदर तो कुछ डिजोल्व होता ही नहीं है, इसलिए हम इनको सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम। इसमें जो वर्ड आया है डिस्पर्ज, डिस्पर्ज का मतलब क्या होता है, तो डिस्पर्ज का मतलब आपको पता है, डिस्पर्ज का मतलब होता है फैलना। क्या होता है डिस्पर्ज का मतलब, फैलना, डिस्पर्ज का मतलब होता है फैलना। तो जो चीज फैलती है उसको बोला जाता है डिस्पर्ज फेज, और जिसमें फैलता है उसे बोला जाता है डिस्पर्जिंग मीडियम, ठीक है। जो फैलता है उसे बोला जाता है डिस्पर्ज फेज। एक्चुअल में इसमें सॉल्यूट जो होता है वो जाके घुलता नहीं है, वो उसमें फैल जाता है, इवनली फैल जाता है, हर जगह हर तरफ बराबर बराबर फैल जाता है, ठीक है। कोलॉइड की यही खास बात होती है कि कोलॉइड के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो उसके सॉल्वेंट में जाके इक्वली फैल जाता है, हर जगह बराबर बराबर फैल जाता है, जिस वजह से वो हमें एक जैसा दिखाई देता है हर जगह से। जैसे मिल्क के अंदर जो मिल्क के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में इवनली फैल जाते हैं, बराबर बराबर फैल जाते हैं हर जगह, इसलिए हमें वो हमेशा हर जगह से एक जैसा दिखाई देता है। चाहे और भी आप कोलॉइड ले लेते हो कोई सा, उसमें भी यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो इवनली फैल जाता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्ज फेज, और जिसमें फैलता है उसे बोला जाता है डिस्पर्जिंग मीडियम। हिंदी में जो फैलता है उसे बोला जाता है परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसमें फैलता है उसे बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं कोलॉइड की डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि कोलॉइड एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जिंग मीडियम में इवनली क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है या डिस्पर्ज हो जाता है, ठीक है। तो और हिंदी में क्या बोला जाएगा कि कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में बराबर रूप से परिक्षेपण हो जाता है, उसका उसमें क्या हो जाता है, परिक्षेपण हो जाता है, यानी कि परिक्षेपण मतलब फैल जाता है। आप नॉर्मल भाषा में लिख सकते हो कि परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में जाके फैल जाता है, ठीक है। तो इसमें डिजोल्व नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड। ये बात समझ में आ गई, कोलॉइड का मतलब समझ में आ गया आपको, क्या होता है कि भाई इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता, वो उसमें क्या होता है, फैलता है, फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और फैलता क्यों है इसके बारे में भी मैंने बताया, एक्चुअल में कोलोइड के पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो जब वो फैलता है तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि वो उसके अंदर डिजोल्व हो गया है, इस वजह से हमें वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। और अगर उसका साइज पार्टिकल का साइज बड़ा होता तब तो वो सस्पेंशन बन ही जाता, ठीक है। इसलिए पार्टिकल छोट का साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, हमें वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देता है। तो ये यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके आगे जो है अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एक बार डेफिनेशन में लिख देता हूँ तो इसको करते हैं। अब तो ये लिखा है आपके सामने कोलॉइड की डेफिनेशन, और क्या लिखा है इसमें, लिखा है कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, कि कोलॉइड एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो देखने में होमोजीनियस लगता है, ठीक है। कोलॉइड एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो देखने में कैसे लगता है, होमोजीनियस। ये बात तो आपको पता ही है कि जितने भी आपके हेट्रोजीनियस मिक्स मतलब सॉरी कोलॉइड है वो होते हेट्रोजीनियस है, पर देखने में कैसे लगते हैं, होमोजीनियस की तरह। जैसे ब्लड या मिल्क देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, बट वो एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं होता, वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। द डिस्पर्ज्ड फेज यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, या सिर्फ सॉल्यूट भी आप लिख सकते हैं, डज नॉट डिजोल्व इन डिस्पर्जिंग मीडियम। जो डिस्पर्ज फेज यानी सॉल्यूट होता है वो उसमें डिजोल्व नहीं होता, बट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो उसमें डिजोल्व नहीं होता, बस वो यूनिफॉर्मली फैल जाता है पूरे सॉल्यूशन में, पूरी मतलब यूनिफॉर्मली बराबर बराबर फैल जाता है। तो बस ये इसकी डेफिनेशन है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जो देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि विलय परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक में घुलता नहीं है, परंतु एक समान रूप से पूरे विलयन में
फैल जाता है। तो इस बारे में हमने अभी डिस्कशन कर लिया है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड एंड टाइप्स ऑफ कोलाइड, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक है इसकी प्रॉपर्टी और दूसरे है इसके टाइप्स। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड के बारे में। तो ये रहे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड। पहली प्रॉपर्टी कोलाइड की ये है कि अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि कोलाइड एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो ये बात भी मैंने आपको बताई है कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, कोलाइड के उससे थोड़े से बड़े होते हैं, पर इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें आंखों से देख सके। इसलिए इसमें भी यही है कि ये पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इन्हें हम नेकेड आईज से यानी कि अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। तीसरी प्रॉपर्टी कि कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो दैट इज इट परफॉर्म्स या टिंडल इफेक्ट। इट परफॉर्म्स टिंडल इफेक्ट, कि मैंने आपको बताया था कि टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इस वजह से वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता और टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाता। बट जो कोलॉइड होते हैं और जो सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। मैंने बताया था कि कोलॉइड के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है और सस्पेंशन का बहुत बड़ा होता है, पर ये इतने होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट को शो कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अच्छा, अभी हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें यानी बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें तो उसके सारे सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, बट कोलॉइड में ऐसा नहीं होता। कोलॉइड में मैंने बताया था आप चाहे इसको कितनी देर के लिए भी छोड़ दो, इसके पार्टिकल्स हमेशा ऐसा लगेगा कि डिजोल्व हैं, पर एक्चुअल में डिजोल्व नहीं होते। कैसे होते हैं वो? डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। बार बार हम बात कर रहे हैं कि कोलॉइड के पार्टिकल कैसे होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, और अगर हम इनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो वो नीचे भी नहीं बैठते, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, डिस्पर्स्ड रहते हैं। तो वही लिखा है, इस वजह से दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलॉइड जो होता है स्टेबल होता है। जो हमारा सस्पेंशन था वो स्टेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो थे वो नीचे बैठ जाते थे, बट इसके सॉल्यूट पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, इसलिए ये कैसा होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। कोलॉइड जो होता है हमारा स्टेबल होता है। लास्ट पॉइंट है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और जो आपका जो कोलॉइड होता है उनको, उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को यानी डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्जिंग मीडियम से हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन को भी हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, कोलॉइड को भी हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। किसे कर सकते हैं? सिर्फ सस्पेंशन को अलग कर सकते हैं। उसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट वो काफी बड़े होते हैं जिनको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, पर ये फिल्टर नहीं होते, ठीक है। अब कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम अलग कैसे कर सकते हैं? तो कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं अपकेंद्रण विधि। और ये होता क्या है ये हम एक दो क्लास बाद में समझेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं समझेंगे हम इसको, नेक्स्ट क्लास या उससे अगली क्लास में समझेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, अभी आप बस नाम याद रख ले कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। और अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। तो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड के टाइप्स की बात जो हम कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं कि उनका डिस्पर्ज फेज क्या है और डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, इस बेसिस पे, ठीक है। कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम बदल जाने से हमारे कोलॉइड का टाइप बदल जाता है, यानी कि अलग अलग
डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम से हमारा अलग तरह का कोलॉइड बनता है। ठीक है, कि जैसे हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन हमेशा जरूरी नहीं है कि एक लिक्विड और एक सॉलिड ही मिलेगा। अगर हम बार बार सॉल्यूशन में एग्जांपल ले रहे हैं वाटर एंड शुगर की, कि आप पानी में चीनी मिला रहे हैं, तो हमेशा ये नहीं है कि आप पानी में चीनी मिलाएंगे, बस चीनी और पानी एक ही तरह का सॉल्यूशन है और दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हर तरह का होता है। ठीक है, वैसे ही कोलॉइड भी बहुत सारे तरह के होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्ज फेज ले सकते हैं, डिस्पर्ज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्जिंग मीडियम ले सकते हैं। यानी डिस्पर्ज फेज हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और डिस्पर्जिंग मीडियम भी हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इसी बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड के बारे में पढ़ते हैं, तो डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला जो हमारा कोलॉइड है वो है एरोसोल। क्या है? एरोसोल। आप देख सकते हैं कि जब डिस्पर्ज फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोसोल। एक और, जब डिस्पर्ज फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोसोल। इससे क्या बात हमें समझ में आ रही है? इससे हमें यह बात समझ में आ रही है कि डिस्पर्जिंग मीडियम तो सेम है, गैस। डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है? सेम, गैस। यानी गैस में चाहे लिक्विड मिले चाहे सॉलिड मिले, दोनों को क्या बोला जाता है? एरोसोल। दोनों को क्या बोला जाता है? एरोसोल। गैस में चाहे लिक्विड मिले चाहे सॉलिड मिले, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एरोसोल। एक तरह से ये सॉल्यूट ही हुआ आपका, ये आपका क्या है? सॉल्यूट एक तरह से, और एक तरह से ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट दोनों में क्या है? गैस। और सॉल्यूट चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों को क्या बोला जाएगा? एरोसोल। और एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जब लिक्विड इन गैस है तब एग्जांपल है उसका फॉग, फॉग क्लाउड मिस्ट। फॉग मतलब क्या होता है? जो कोहरा होता है। ठीक है, आप जब ठंड के समय में कोहरा देखते हो तो क्या होता है? जो आपकी हवा है, एयर है, उसमें वाटर जो वेपर्स होते हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो उस वाटर वेपर्स उसमें क्या डिजोल्व होंगे? एयर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वो उसमें क्या होते हैं? डिस्पर्ज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एरोसोल। और क्लाउड्स भी ऐसे ही होते हैं, एयर में सॉलिड मतलब एयर में बहुत जो डिफरेंट गैसेस मिल जाती हैं तो उससे भी क्लाउड बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लिक्विड मिल जाते हैं जैसे वाटर वेपर्स और दूसरे तरह के लिक्विड्स, मिस्ट भी, धुंध जो होती है वही होता है। ठीक है, सॉलिड जब मिल जाता है गैस में, तो जैसे स्मोक, धुआं, धुआं क्या होता है भाई? आपको पता है जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जब भी आप पेट्रोल, कोयला, कुछ भी जलाते हो तो उसका जो धुआं निकलता है उसमें सॉलिड सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में मिल जाते हैं, तो वही होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है वही चीज है। ठीक है, तो ये जब गैस के अंदर सॉलिड या लिक्विड मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरोसोल। तो आपको एरोसोल की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो क्या लिखोगे? द कोलाइडल सोल्यूशन इन विच डिस्पर्ज फेज इज सॉलिड और लिक्विड एंड डिस्पर्जिंग मीडियम इज गैस इज कॉल्ड एरोसोल। एग्जाम्पल आपके बगल में लिखा हुआ है यहां पे। दूसरा देखेंगे, एक फॉर्म यहां भी है और एक फॉर्म यहां भी है, और इसमें भी आप एक चीज देखेंगे, फॉर्म के अंदर यहां भी, यहां डिस्पर्ज फेज गैस है, यहां भी डिस्पर्ज फेज गैस है। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है? फॉर्म के अंदर चाहे डिस्पर्ज फेज जो होता है हमेशा गैस होता है, और डिस्पर्जिंग मीडियम इधर लिक्विड है और इधर सॉलिड है। यानी कि जब सॉलिड या लिक्विड में गैस घुल जाती है, सॉलिड या लिक्विड में गैस घुल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। तो ये ऐसा कोलॉइड है जिसमें डिस्पर्ज फेज जो है सेम है, गैस, और डिस्पर्जिंग मीडियम अलग अलग है, सॉलिड या लिक्विड। तो जब गैस लिक्विड में घुलता है तो फॉर्म बनता है, और इसका एग्जांपल क्या है आपका? शेविंग क्रीम। और जब गैस सॉलिड में घुलता है तो ये इसका भी फॉर्म बनता है और ये सॉलिड फॉर्म होता है। हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म कैसा? जिसमें झाग बन जाता है, आप देखते हैं जो शेविंग क्रीम होती है कितना ज्यादा उसमें झाग होता है, और वो लिक्विड होता है, इसलिए हमने उसको अलग लिखा है। और ये सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म जो आपके सोफे के अंदर होता है, ठीक है ना, स्पॉन्ज, रबर, ये सब चीजें सॉलिड में गैस होती है अंदर, जिसकी वजह से वो दब जाता है,
ठीक है, दबता है, तो वो फॉर्म जो होता है या रबर होता है, ये सब कैसे होते हैं आपके? सॉलिड सोल होते, सॉलिड मतलब सॉरी फॉर्म होते हैं आपके, ठीक है ना, जिसमें गैस डिस्पर्ज फेज होता है और सॉलिड या लिक्विड डिस्पर्जिंग मीडियम होता है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? द कोलोइडल सोल्यूशन इन विच गैस इज डिस्पर्ज इनटू लिक्विड, डिस्पर्ज फेज इज गैस एंड डिस्पर्जिंग मीडियम इज सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड फॉर्म। ठीक है, तीसरा ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है आपकी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अलग कलर से कर देता हूं इसको। जो इमल्सन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है ये इमल्सन के बारे में, तो इसके बारे में आप ध्यान से समझ लेना। और है क्या, बहुत ही आसान है, बस लिक्विड इनटू लिक्विड। जब डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जिंग मीडियम भी लिक्विड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। तो इमल्सन जो होता है इसमें डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम भी लिक्विड होता है। तो इमल्सन जो होता है हमारा, वो इसमें डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम भी लिक्विड होता है, और दोनों लिक्विड मिलके जिस टाइप का कोलोइड बनाते हैं उसे हम इमल्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? मिल्क एंड फेस क्रीम। मिल्क में जो इसका डिस्पर्ज फेज है वो भी लिक्विड होता है, और जो चीजें उसमें मिलती है मतलब डिस्पर्ज फेज जो मिलता है वो भी लिक्विड होता है, जिसमें मिलता है वो भी लिक्विड होता है। और फेस क्रीम जो आप लगाते हैं अपने चेहरे पे सुंदर बनने के लिए, वो भी क्या होता है? इमल्शन ही होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन आपके लिए आती है एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे? द कोलॉइड इन विच डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम बोथ आर लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? वह कोलॉइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं उसे इमल्शन। हिंदी में इसको भी इमल्शन ही बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क एंड फेस क्रीम। अगला जो है वो है आपका सोल। आप देख सकते हैं एक लिखा है सोल, एक लिखा है सॉलिड सोल। ठीक है, क्या होता है सोल और सॉलिड सोल? दोनों में आप देख सकते हैं यहां भी जो डिस्पर्ज फेज है सॉलिड है, और यहां भी जो डिस्पर्ज फेज है सॉलिड है, यानी कि इनमें डिस्पर्ज फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम एक में है लिक्विड और एक में है सॉलिड। जब डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड या सॉलिड है और डिस्पर्ज फेज दोनों में क्या है? सॉलिड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोल। जब लिक्विड वाला होता है तो सिर्फ सोल बोलते हैं, जब इसमें देख सकते हैं लास्ट वाले में इसमें डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड डिस्पर्जिंग मीडियम भी सॉलिड है, इसलिए इसका नाम रख दिया सॉलिड सोल। क्या नाम रख दिया? सॉलिड सोल। और जब डिस्पर्ज फेज सॉलिड है और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है तो उसे हम बोल रहे हैं सिर्फ सोल। यानी जब सॉलिड घुलता है लिक्विड में, सॉलिड घुलता है लिक्विड में। मैं देखो घुलता है ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, एक्चुअल में तो घुलता नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं कोलोइड की। मैंने आपको बताया है कि कोलोइड में कभी भी घुलता नहीं है, चाहे कोई भी चीजें घुलती नहीं है, बस फैल जाती है। बट आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं बार बार घुलता वर्ड यूज कर रहा हूं, वरना मैं ऐसा कह सकता हूं जिसमें लिक्विड में सॉलिड फैल जाता है, लिक्विड में सॉलिड फैल जाता है। इसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बस आप इसलिए मैं आपको बार बार घुलता है वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, पर एक्चुअल में घुल नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है, यानी लिक्विड में सॉलिड जाके फैल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सोल। एग्जांपल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जब मैग्नीशियम को हम जला देते हैं और उसको हम मिला देते हैं किसमें? वाटर में, तो उससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। और ये हमारा एक तरह का एंटा एसिड होता है, जो आप इनो पीते हैं, इनो के अंदर आपका ये मिलता है जो एसिडिटी के लिए भगाने में काम में आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? मड। मड भी क्या है? यानी कीचड़, जिसमें आप देखते हैं लिक्विड में क्या मिल जाता है? सॉलिड, ठीक है, तो वो भी आपका एक तरह का सोल है। और लास्ट हम बात करें सॉलिड सोल की बात करें, तो ये सॉलिड में ही सॉलिड का मिलना, सॉलिड ही डिस्पर्ज फेज है, सॉलिड ही डिस्पर्जिंग मीडियम है, तो उससे बनता है सॉलिड सोल। इसके एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, जो आप देखते हैं बहुत सारे जेमस्टोन्स होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है ना, एक ही पत्थर में कलरफुल जो पत्थर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सॉलिड सोल होते हैं। और मिल्की ग्लास, जो व्हाइट कलर का ग्लास होता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। और अब हमें पढ़ना है गैस
फॉर्म तो हो गया हमारा, लास्ट बचा है लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, जब डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड होता है और डिस्पर्ज फेज लिक्विड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, जब लिक्विड घुलता है सॉलिड में तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेल। क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली, चीज, बटर। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, द कोलॉइड इन विच डिस्पर्ज फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जिंग मीडियम इज सॉलिड इज कॉल्ड जेल। एग्जाम्पल आर जेली, चीज एंड बटर। हिंदी में, वह कोलॉइड जिसमें परिचित प्रवस्था द्रव है तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस है उसे हम जेल कहते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, पनीर, ठीक है, मक्खन और जेली लिख सकते हैं। तो ये आपकी टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी सबकी डेफिनेशन जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। ठीक है, तो इसको आप आज रिवाइज कर लीजिए, इसके आगे जो है हमें नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, कि मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को हम कैसे अलग करते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं तक रखते हैं।